तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो एम बी एस ई टी के रिजल्ट्स में गाइज हमें अभी और थोड़ा जो डिले है वो देखने को मिल सकता है, एंड हो सकता है कि आपको और थोड़ा वेट करना पड़े अपने परसेंटाइल एंड रिजल्ट्स के लिए। अब इसके पीछे गाइज कुछ रीजन भी है, साथ ही में क्या न्यू एक्सपेक्टेड डेट्स रहेंगी उसके ऊपर भी हम जो है वो बात करेंगे, एंड स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स है वो भी मैं दूर करूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए ताकि आपको ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाए। तो सबसे पहले तो गाइज अगर आप अभी भी सी ई टी सेल के ऑफिशियल वेबसाइट चेक करोगे तो यहाँ पे अभी तक एम बी एस ई टी या फिर एम सी एस ई टी का कोई भी रिजल्ट हमें जो अपडेट है वो देखने को नहीं मिल रहा है। हमारे जो एग्जामिनेशन है गाइस वो 9th, 10th एंड 11th ऑफ मार्च को जो है वो कंडक्ट की गई थी। ऑलमोस्ट एक महीने से ज्यादा जो है वो हो चुका है, एंड अब तक जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाना चाहिए था, बट अब तक रिजल्ट का हमें कोई भी जो नामो निशान है वो देखने को नहीं मिल रहा है। वेबसाइट पे 10th से 15th ऑफ अप्रैल का एक्सपेक्टेड डेट्स था, एंड मैक्सिमम लोगों का या फिर कोई भी टीचर्स का जिनसे भी मैंने पूछा था, हेल्पलाइन बाकी सारी चीज़ें, सभी का यही कहना था कि यहाँ पे हमें जो अपडेट है वो देखने को मिल सकता है, बट आज की 13 तारीख है एंड 15 तारीख तक रिजल्ट आना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जो है वो लग रहा है। बिकॉज इस बार जो आंसर की है वो रिलीज हुई थी, एंड अभी तक एम बी एस ई टी में इसके पहले जितनी भी एग्जामिनेशन हुई थी उन किसी भी एग्जामिनेशन में गाइस जो आंसर की है वो रिलीज नहीं हुई थी। कोई भी ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग, ये कोई भी जो अपडेट वगैरह है वो नहीं रहता था, एग्जाम हुई डायरेक्ट रिजल्ट लग जाता, बीच में ये जो प्रोसेस होती थी ये कोई भी जो है वो पहले नहीं थी। इस बार जो है वो न्यूली ये सारी जो चीज़ है वो लाई गई है, ठीक है। तो ये एक रीज़न जो है वो रह सकता है। इसके अलावा काफ़ी सारे लोगों का ये भी कहना है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी पूछना है कि ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का अब जो रिजल्ट है वो नहीं आएगा, डायरेक्ट हमारा जो रिजल्ट है वो आएगा। तो देखो ऐसा हो ही नहीं सकता है, बिकॉज जब भी ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग किसी भी इसमें आता है, जब भी कहीं पर आंसर की रिलीज होती है तो वहाँ पर ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का एक तो रिजल्ट आता है या फिर एक एक्स्ट्रा चीज़ हो सकती है जिसके वजह से डायरेक्ट हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाए, और एंड वो एक्स्ट्रा चीज़ क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइज अभी जो रिजल्ट्स रिलीज हुए थे कुछ कोर्सेज के, अब इन कोर्सेज में भी जो आंसर की है वो रिलीज हुई थी। सीईटी सेल ने बोला था कि सभी कोर्सेज के आंसर की जो है वो हम रिलीज करेंगे, इन्होंने इन कोर्सेज के भी जो आंसर की है वो रिलीज की थी। अब इन कोर्सेज में जिन्होंने भी आंसर की चेक की उन स्टूडेंट्स में किसी ने भी जो ऑब्जेक्शन है वो रेज ही नहीं किया, ठीक है। मतलब आंसर की देखी, देख लिया, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। सीईटी सेल ने रिलीज भी किया नोटिफिकेशन दैट इट इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम द सिस्टम डेटा ऑब्जेक्शंस हैव नॉट बीन रेज्ड बाय द कैंडिडेट्स ऑन द क्वेश्चंस इन द क्वेश्चन पेपर एंड द आंसर ऑप्शंस फॉर द सेड कोर्स ड्यूरिंग द पीरियड, हैंस सीईटी सेल विल बी डिक्लेयरिंग रिजल्ट इन ड्यू कोर्स, ठीक है। तो डायरेक्ट इन्होंने बोल दिया कि अगर आपने अभी ऑब्जेक्शन रेज नहीं किए हैं तो फिर हम डायरेक्ट जो रिजल्ट है वो रिलीज करेंगे, ठीक है। बट यही अगर हम एम बी ए के इसमें देखते हैं तो एम बी ए में कन्फर्म जो ऑब्जेक्शंस है वो रेज हुए हैं, एंड ऑब्जेक्शन का जो रिजल्ट है वो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन रेज नहीं हुए तो सी ई टी सेल ने डायरेक्ट ये प्रेस नोटिफिकेशन निकाला जिसमें इन्होंने बता दिया कि इतने तारीख को जो रिजल्ट है वो रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नोटिफिकेशन अभी तक एम बी ए का जो है वो आने का है, तो इसके लिए भी हमें जो है वो वेट करना पड़ेगा, बिकॉज नोटिफिकेशन पहले आता है कि रिजल्ट किस डेट को लगेगा एंड फिर उसके बाद हमारे जो रिजल्ट है वो लगते हैं। तो ये नोटिफिकेशन भी अभी तक गाइस जो है वो रिलीज होने के हैं, एंड पहले ऑब्जेक्शन का अपडेट जो है वो आएगा ही आएगा, बिकॉज हमें ये तो पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस के ऊपर ऑब्जेक्शन जो है वो रेज हुए थे, एंड ऑब्जेक्शन रेज होते हैं तो उसके बाद का जो रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसमें लिखा होता है कि चेंज क्या हुआ है, ठीक है। क्या आंसर की में जो है वो चेंज किया हुआ है या फिर फुल मार्क्स डायरेक्ट दे दिए, क्या पूरा क्वेश्चन ही रॉन्ग था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो भी आंसर की में जो है वो अपडेट होते हैं, जो कि देखना एंड स्टूडेंट्स को पता चलना जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए ऑब्जेक्शन ट्रैकिंग का रिजल्ट जो है वो आएगा ही आएगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन से सेक्शन में कहाँ पे कितने क्वेश्चंस में फुल मार्क्स या फिर रॉन्ग डायग्राम जो भी होगा वो आपको इसी से जो है वो पता चलेगा। तो ये भी जो है वो ज़रूर आपको अपडेट जो है वो देखने को मिलेगा, एंड उसके बाद ही जो रिजल्ट है वो रिलीज होगा। अब न्यू एक्सपेक्टेड डेट्स की अगर हम बात करें गाइस, तो देखो अभी तो जो डिले है वो तो हो चुका है, बिकॉज पहले 15 अप्रैल तक एक्सपेक्टेड था, अभी तो मुश्किल है, एंड अभी सैटरडे संडे भी है बीच में, तो 15 अप्रैल को तो आना मुश्किल ही लग रहा है। बट हो सकता है कि अभी हमें जो रिजल्ट है वो थोड़ा 20 से 25 अप्रैल के बीच में जो है वो देखने को मिले, 20 भी नहीं 22-23 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इस रेंज में अगर रिजल्ट लगता है तो बहुत अच्छा, बट सी ई टी का ऐसा है कि अगर सारी चीज़ें टाइम पर करते तो एकदम टाइम पर करते हैं, नहीं तो अगर लेट करना रहा तो काफ़ी लेट भी जो है ये कर सकते हैं। बट ये डेट एक बहुत ही प्राइम डेट है, यहाँ पे रिजल्ट लगना मतलब मैक्सिमम चांसेस है, बिकॉज काफ़ी टाइम हो चुका है, एक महीना से भी ज़्यादा टाइम हो चुका है। आंसर की भी जो है वो 1 तारीख को रिलीज हो गई थी, अगर ये एनालिसिस करके बहुत ऑब्जेक्शंस भी रेज हुए होंगे तो 10-20-15 दिन बहुत होते हैं पूरा सारा जो चीज़ है वो करने के लिए एंड रिजल्ट रिलीज करने के लिए। इस बार एम बी ए के नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो भी ज़्यादा थे, इसलिए पहले एग्जामिनेशन 9th एंड 10th ऑफ मार्च को थी, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ज़्यादा होने के कारण 11th मार्च का एक जो
एक्स्ट्रा स्लॉट है वो भी इंक्रीज जो है वो किया गया था। तो यहाँ पे जो कोर्सेज का रिजल्ट रिलीज़ हुआ है वो ऐसे कोर्सेज यहाँ पे 1000-1500 स्टूडेंट जो है वो 2000-3000 स्टूडेंट जितने ही थे, तो वहाँ पे रिजल्ट लगाना थोड़ा इजी था। बट MBA में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए भी ये हमें जो डिले है वो देखने को मिल रहा है। बट हो सकता है कि यही डेट्स पर हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिले, वैसे अपडेट तो आ जाना चाहिए, ठीक है। एंड पहले नोटिफिकेशन भी आएगा रिजल्ट डेट्स का, तो जैसे ही वो अपडेट आएगा वैसे मैं आपको अपडेट कर दूंगा। एंड अभी अगर आप खाली पीली बैठे हो तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आप कैटेगरी स्टूडेंट हो, अगर आप एडमिशन लेने में एकदम इंटरेस्टेड हो, तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाने के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करो। बिकॉज डॉक्यूमेंट्स नहीं बनाओगे तो फिर आपको एडमिशन में प्रॉब्लम आएगा, एंड जो फीस आपको कम होनी चाहिए थी वो आपको ज़्यादा आपको जो है देखने को मिलेगी। इसके अलावा काफ़ी सारे कॉलेजेस के फ़ोन्स भी आ रहे होंगे आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए, सीट बुक करने के लिए, तो वो भी आप जो है वो देखो, उनके कॉलेज की इन्फॉर्मेशन जो है वो लो। बट ये गलती मत कर देना कि कैप राउंड के पहले ही उनके बारे में मतलब उनको जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट कर दो एंड अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म कर दो, तो ये गलती मत करना। बस कांटेक्ट में रहो उनके कि हाँ हाँ हम आपको बताएंगे रिजल्ट रिलीज होने के बाद ऐसा वैसा, बट डायरेक्ट अपना एडमिशन प्रोविजनल के थ्रू जो है वो कंफर्म मत कर देना, ठीक है। अगर आपको प्रोविजनल क्या होता है इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, जरूर मैं डिटेल वीडियो बना के आपको पूरी जो गाइडेंस है वो दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, होप्स आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। एंड ऐसे वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जैसे कर लो ताकि आपको टाइम पे सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे।